जी अज की वीडियो हैगी अपनी प्रिंटेड सूट की कटिंग बारे। प्रिंटेड सूट के विच कटिंग वेले भी अपन बहुत दिक्कत आ जाती ने। कई बार कपड़ा अपने को खुला हों पर अपन ब्यौतन का पता नहीं हों भी अपन किस तरह कपड़े आप साइड से अलग कट सकते हैं। वेस्टेज कई बार आप ज़्यादा कट कट के सीटी जाने रहने कपड़े भी आप एक साइड तो किस तरह लैना किधरों बाजू लैनी आप उस तरीके दसांगे। अपने को नाप हैगा 39 इंच शर्ट की लेंथ हैगी 36। देखो छाती के राउंड मिलया हुआ नॉर्मल मिलया हुआ ना ही अपने ज़्यादा टाइट मिलया ना ही बड़ा लूज मिलया बिल्कुल नॉर्मल नाप आ। तो आप 2 इंच प्लस करके देखो 19 इंच बन गया। छत्ती दे विच 2 प्लस किए 38 वो हाफ हो गया 19। कम रहेगी अपनी 32 यानी कि 32 वो आपने 1 इंच ऐड किया 33 हो गया तो 16.5 आप कमर का नाप आ। इस तरह हिप आ देखो हिप हैगी अपनी 39 2 इंच प्लस किया 41 हो गया वो हाफ हो गया 20.5। बाजू देखो आप हैगा सर्दी वाला स्टाफ आ देखो नॉर्मल ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला पश्मीने दे विच सूट है। यह अपना बाजू दी लेंथ अपने को 2 ने 1 17 की 1 20 आ। यह आप उस हिसाब न देखांगे कि जिनी बाजू जिनी रखनी है उस हिसाब न तुहानू दस रहे हैं। आप वीडियो सब तो पहला आप जिवें इस कपड़े दे विच तां 2 पार्ट दिते पए सी इन्होंने बचालों कटिंग करिया पिया सी। देखो आह चीज करे कल्ले शर्ट का कपड़ा देखो इन्होंने 2 पार्ट करे पए ने इक आह वाला इक आह वाला। आह इन्होंने साइडां ते आपां नूं पट्टी दित्ती हुई सी इह तुसीं घेरे ते भी लगा सकदे हो। देखो घेरे ते नहीं लगाउणी कोई गले का डिजाइन हो सकती है एक पट्टी आप बाजू से लगावे। हूँ देखो तुम सब तो पहला सूट को किस तरह ब्यौतना गा तुम शर्ट की लेंथ चेक करोगे जो थोड़े को आल ओवर आ पूरा मान लो ये मैचिंग आ कंट्रास्ट नहीं है ते नाल, नाल दी बेस नाल दी बॉटम दिती हुई है ग्रीन कलर के शर्ट की लेंथ चेक करोगे आप जिस तरह 3 इंच प्लस करके कटते हुए गे देखो उस तरीके ही कटना। जिमें अपने को 39 इंच की लेंथ हैगी तो आप इन 42 इंच कटांगे। देखो तो आप 42 इंच की कटिंग करांगे। जे अपने को कपड़े दे विच विचाले कट नहीं हुंदा भी मान लो सारा एक इन्होंने कटिंग करके लाया पिया सी नाल 2 पीस करके जोड़े हुए सी मान लो जे अपने को इस तरह नहीं है कट्ठा आल ओवर ही दिता हुआ तो तुसी ने पहला लेंथ नूं व्यौतना किन्नी लेंथ आ तुहाडी फिर तुसी इस तरह नूं राउंड कर लोगे फिर तुसी इहदे तक बराबर तक मिला के लैके जाओगे कपड़े नूं। मान लो जे ये ना सेंटर दे विचों कटिंग कीती हुंदी इहदी सूट दी फिर तुहानूं इस तरह जिहड़ा इधर कपड़ा वध जांदा मान लो फिर तुसी उहनूं मिण के देखना गा भी उहदे विचों तुहाडी बाजू आ रही है जां नहीं आ रही लेंथ आ रही आ। जे तुहाडी लेंथ आ रही आ तां तुसी सब तों पहलां उहदी बाजू कढ सकदे होंगे लेंथ पूरी करके। जे इस तरह तुहाडे नहीं आ रहा तां तुसी सब तों पहलां देखो जिन्ना तुहाडा घेरा गा तुसी उन्ना इहदा कटिंग करोगे। बाकी आपां फलावर दे हिसाब नाल चलांगे फलावरां दा भी देखना किहड़े पासे इहदे फलावर जा रहे ने। तुसी इस तरह धरके भी देखो इहनूं एक साइड तो लै रख दिओ इस तरह कपड़ा लै सकदे हो क्योंकि जिहड़ा अपना इधर साइड ते कपड़ा बच जांदा उहदा आपां कुछ भी बना सकदे हां। देखो किसी बच्चे का भी निकल सकदा स्लीवस का मोढ़ा भी आराम नाल निकलूगा। जे तुसी पहली देखो इहनूं इस तरह कर लोगे भी विचाला सेंटर नहीं करोगे जिन्ना तुहानूं चाहीदा घेरा उन्ना रखोगे फिर उहदे नाल देखो तुहाडे कपड़े की वेस्टेज ज़्यादा हुंदी आ। सिर्फ जिन्ना आपां निशान लाउणा जिन्ना आपां मार्जिन दे रहे हां उस हिसाब दे नाल तुसीं निशान लगा के इहदे कटिंग कर सकदे हो। हुण देखो अपने कोले हिप हैगी हैगी 20.5 इंच तां आपां 3 इंच वध कर दिंदे हां 23.5 इंच कटांगे। देखो 23.5 इंच दा इत्थे बन रहा तां आपां इहनूं इस तरह 23.5 ते ही निशान लगा के पहलां कटिंग कर लांगे। देखो मान लो पीस उतारना होगा जे आपां ने मान लो 24 कर लो चलो 1/2 इंच नाल तां कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण देखो इधर पिछे कपड़ा बचूगा जिहड़ा आपां उहदे बाजू भी आजूगी अपनी आराम दे नाल पिछे अपना कपड़ा 20 इंच बच रहा। देखो आराम नाल बाजू निकल सकती है तो जिहड़ा दूसरा पल्ला होगा इहदे विचों निकलूगा उहदी आपां बाजू भी लगा सकते हैं शर्ट का फ्रंट पल्ला भी बन सकता। इस तरह तुसीं ध्यान दे नाल पहलां जिन्ना तुहाडा घेरा तुसीं उहनूं मिणो बाजू मिणो लेंथ पूरी करके फिर शर्ट की कटिंग करो। हुण आपां सब तो पहलां देखो इस तरह कपड़े नूं राउंड कर लेना। कोई भी आल ओवर सूट है प्रिंटड सूट है जे कोई वर्क दिता हुआ तो आपां नूं वर्क मिलाउणा पऊगा। तुसी इस तरह ना कपड़े नूं डबल फोल्डिंग कर लोगे जिन्ना तुहाडा घेरा तुसी उहदे 3 इंच प्लस करना। मैं पहलां वाली वीडियो दे विच भी दस दिंदी हां भी तुसी छाती का नाप भी चैक करना हिप का नाप भी जे तुहाडे मान लो छाती उपरों घट है हिप ज़्यादा तां तुसी हिप दे मुताबक ऐड करके 19 कटिंग करनी आ। जे चेस्ट दे विचों भी 19 आ हिप भी 19 आ फिर तुसी उस हिसाब नाल उपरला मार्जिन रख के भी चलना गा
भी अपने 2 इंच मार्जिन उपर वाली सिलाई दे विच भी आना चाहिए। हुण देखो उपरों इन्हां दे 19 आ, हिप हैगी आ 20.5 इंच, तो आप इसे 3 इंच प्लस करके किन्ना कटांगे 23.5 इंच, तो आप 23.5 इंच ते निशान लगावांगे। हाफ इंच तुसीं वध लैणा लै सकदे हो, वो कोई चक्कर नहीं हैगा। मान लो 23.5 बनता आप 24 ते भी लै सकदे हां, क्योंकि वह आप कटिंग वेले भी इन्ना कदा कर दांगे। तो आप 24 इंच का पीस उतार लांगे। जे अपने कोल आल ओवर हो फिर अपनी कट्ठियां बाजूआं उपर उतर सकदियां ने बिना जोड़ तो। हुण आपां इत्थों कटिंग कर दांगे। इसे तरह आपां दूसरे पल्ले का भी तारांगे। इस तरह आपां ने फोल्डिंग कर लेना इहनूं। इस तरह अपने कपड़े की वेस्टेज बिल्कुल नहीं जाती हैगी, फालतू नहीं आपां नूं कट कट के सिटन की जरूरत, क्योंकि जिहड़ा अपना कपड़ा बच जाता वह किसी भी काम आ सकता गा, किसी बच्चे का बन सकता, जां कई बार अपने कोई बाजू बदलनी हो उस तरह भी तुहाडे काम आ जूगा वो कपड़ा, जे तुसीं व्यौण दे नाल कट्टोगे कपड़े नूं। कई बार अपने कोल घट हुंदा कपड़ा, तुसीं उस तरीके दे नाल उहनूं स्टिच कर सकदे होंगे। हुण आपां इसे तरह 24 इंच इहदा उतारांगे। चौबी इंच से निशान आप इत्थे लगा देंगे। इस तरह आप सेंटर के विच लगा देंगे, एक उपर लगा देंगे। हुण आप कटिंग कर देंगे। हुण अपने फ्लावर का ध्यान रखना, देखो फ्लावर अपना केड़े वल जा रहे हैं, सारे फ्लावर का डिजाइन एक साइड वाल जा रहा उपर वाल, वो अपने देख के चलना गा। तो आप इस तरह कपड़े फोल्डिंग कर लेंगे। इस तरह आप दूसरे पल्ले फोल्डिंग करांगे। ये भी फ्लावर का आप ध्यान देना चंगी तरह भी फ्लावर एक साइड दूसरे पासे ना चले जाए, फ्रंट बैक के आपस में एक बराबर ही होने चाहिए। देखो अपने को 39 इंच लेंथ है, आप 3 इंच बद कटनी है, तो आप कितनी कटांगे 42 इंच, तो आप इस तरह 42 ते निशान लगा लेंगे। इतों निशान लगा लो। हुण आपां तीरे दा निशान मीडियम गला पाउणा, देखो ज़्यादा वड्डा नहीं पाउणा हैगा। ये बार बार मैनूं कमेंटां दे विच भी पुछ रहे दीदी तीरा इन्ना घट वध जां क्यों लै रहे हो, पिछे नहीं जांदा जां एवें नहीं जांदा, अलग अलग तरीकियां दे नाल अपना अपना पुछ रहे ने। तीरा देखो मीडियम गले नूं आपां 6 इंच ही पावांगे। इस तरह 6 इंच ते निशान लगा लिया। ये 6.5 इस तरह लगाउणा। हुण आपां 19 इंच हैगी अपनी छाती चों, तां 19 इंच ते ही निशान लगावांगे। 200 तो आप इतों घटा के चलना गा। हम आप गलाई पानी है, देखो इस तरह कमर हैगी अपनी 16.5, 3 इंच आप पावे प्लेट्स का। 16 से अपने आ निशान लगाना गा साइड सिलाई का, देखो इतों इतना, क्योंकि हाफ इंच मार्जिन के आऊगा प्लेटा के, हाफ ही उपर आजूगा। हिप हैगी अपनी 20.5, तो आप 20.5 से ही निशान लगावे। 1.5 इंच का आप चाका का मार्जिन लेने होंगे। हुण घेरा हैगा, देखो हिप हैगी अपने कोले 20.5, तो घेरा आप रखांगे 20 इंच, तो 3 इंच बद कटांगे 23 इंच, तो आप 23 इंच से ही निशान लगावे। फिर इस तरह बिल्कुल सीधा लगाना गा। बहुत ही सौखे तरीके कटाई दस रहे हैं आप, देखो कोई उलझन वाली नहीं, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल गलाई है। देखो जिमें गलाई दें, जे तुसीं ज़्यादा डीप गला पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा डीप गला, तो तुसीं 11.5 भी रख सकते हो। जे नाप हैल्दी है तुहाडा 20 या 21 आ, गला तुसीं मीडियम पाउंदे हो 6, 6.5 पाउंदे हो, बैक तो 6 पाउंदे हो, तां तुसीं 6 इंच ते ही निशान लगाउणा, नीचे नूं भी 6.5 ते लगाउणा। जे कोई ज़्यादा हैवी ना अपना नाप चल रहा गा, गले ओह नॉर्मल पाउंदे आ चीज़ वध गई तां उहदी गलाई भी वधूगी, तां तुसीं 6.5 का निशान ला लोगे मोढ़े का, क्योंकि आ रेव हो जाती आ सिलाई,
वो मोढ़े वाली जगह पर अपने आप ही एडजस्ट हो जाती है। हुण आपां इहदी करांगे कटिंग। सब तो पहला उसे तरह आप दो पल्ले चकांगे। इसे तरह आप बैक वाली काट पावांगे। हम देखो आ हाफ इंच, यह हाफ इंच आप हर एक सूट दे लेनी ही लेना। बाद इहदे नाल शर्ट अपनी बिल्कुल भी पिछे नहीं जाती हैगी। चाहे तुसी शर्ट दे विच प्लेटां पा सकते हो, चाहे नहीं भी पाउणी आ, पर आ हाफ इंच पद लैणा ही लैणा आपां ने। जो फ्रंट वाली सिउणा स्टिचिंग वेले तुहाडे अगले पासे आउणी चाहीदी आ। कई बार कह दिंदे ने भी अपने शोल्डर ते क्यों नहीं कढ़दी, शोल्डर ते देखो खड़ा लो कोई चक्कर नहीं, पर जे तुसी बैक जाण दी प्रॉब्लम आ सकती उहदे विच। जे तुसी अग्गे नूं सिउणा इस तरह स्टिचिंग वेले भी तीरे नूं इस तरह करके रखोगे, हाफ इंची इतों हाफ इंची जो, कदे भी तुहाडी शर्ट पिछे नहीं जाऊगी। हुण देखो आपां इहदे प्लेटां दा निशान लगावांगे। प्लेट दा निशान अपने कोले 11.5 ते लगाउणा। इह कोई जरूरी नहीं हैगा तुसीं मिनकी प्लेट पाउणी आ, उह तुहानूं ऐटोमैटिक ही नाप दे हिसाब नाल भी पता चल जांदा। जिवें देखो 19 इंच ते इहनां दा होआ मैरिड आ, इह सूट जिन्हां दा सूट आ, तां आपां 11.5 ते निशान लगावांगे। साढ़े 6 आपां नीचे नूं लगावांगे। आ गैप आप नॉर्मल चैसट के हिसाब न 3.5 का पावे। जो ज्यादा हैल्दी नाप आ तो उसी 4.25 भी कर सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा हैवी नाप आ तो 4 इंच लगा दोगे। आ निशान भी बिल्कुल ये बराबर लगेगा, तुम 1.5 इंच लगाओगे। इतों आपने आह लाना 6 साढ़े 6 का निशान लगाना। देखो 6.5 का निशान ही लगाया आपने। इस तरह आह वाला निशान बिल्कुल ये बराबर लगेगा। आपने 1.5 इंच का लिता, इतों आप लवेंगे 2 इंच का। आ देखो तुसी मिन भी सकते हो, 2 इंच का ही निशान अपना। देखो बिल्कुल इतों तक देखो अपने प्लेटा के निशान लग चुके ने बिल्कुल। हम इस तरीके आप इनू बैक साइड से लगावे। तुसी पेन ना भी लगा सकते हो डार्क करने वास्ते, मार्क ना भी लगा सकते हो। बैक प्लेट आपां फ्रंट वाली नो लंबी पावांगे, क्योंकि बैक ते झोल नहीं पैंदा। जे आपां फ्रंट तो 6.5 लैती आ तां आपां 8 इंच दी प्लेट लाउणी है पिछे। जे हाइट लंबी आ तुसीं 9 भी कर सकदे हो। प्रिंट सूट दे नालो जिहड़ी आपां फ्रंट बैक उतारिया उहदे नालो 2 पल्ले उतरे ने। इसे तरह जो एक पल्ला हो रहा एक तरह यह आ। हुण जे देखो आपां दोनों नूं मिला के कट दांगे तां आपणे आह पीस किसे काम भी नहीं आउंदा हैगा, इन्ने पीस उतर जाणगे दोनों साइडां तों। हुण आपां ने सब तो पहला मोढा देखना भी अपना मोढा आ रहा जां नहीं। मोढा देखो इन्हां नूं 8 इंच बहुत आ, 19 इंच चैसट नूं। इह अपने कोले पीस हैगा गा 19 इंच दा पीस आ, 8 इंच मोढा चाहीदा। मान लो 9.5 इंच पीस आ, 1.5 इंच अपने कोले एक्सट्रा पिया, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਫੋਲਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੱਪੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਾਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਵਧਮਾ ਘਟਮਾ ਕੱਪੜਾ ਗਾ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਜੂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਥਾਂ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ नॉर्मल हैगी 17-1-20 आ। आप विंटर के हिसाब ना समर के हिसाब ना यदि बाजू की लेंथ आपस के घट वध कर सकते हैं। हुण देखो आप 18 इंच बाजू कटांगे, क्योंकि कपड़ा नॉर्मल आ, ना ही ज़्यादा मोटा तो ना ही ज़्यादा पतला गा। तो आप 18 इंच बाजू रखनी आ, तो आप 20 इंच की कटिंग करांगे। इस तरह तुसी निशान लगा लोगे।
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਪੱਲਾ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੂ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਜੂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਫੋਲਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਜੂ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ 17 ਇੰਚ ਆ, ਦੇਖੋ 10 ਇੰਚ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ, 9.5 ਇੰਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, 1/2 ਇੰਚ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ 1 ਇੰਚ ਲੈਂਥ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਲਾਤਾ 1.5 ਇੰਚ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੋਢਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ 8 ਇੰਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 9.25 ਇੰਚ ਵੱਧ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਗਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੋਰਮਲ ਪਾਉਣਾ, 5.5 ਇੰਚ ਗਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਇੰਚ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਦੇਣੀ ਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੇਰ ਦੀ ਫੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਉਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗਲਾਈ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਬਾਜੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਟ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਜੂ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲੇ ਛੋਟੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਜੂ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਡੀਪ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 3.5-3 ਕਰ ਲਿਓ, 3.5-3, ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਬਾਜੂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੂਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਣ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਕ 'ਤੇ ਖਿੱਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਾਟ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਨਾ ਪੈਦਾ ਮੋਢੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 8 ਇੰਚ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਾਟ ਪਾਉਣੇ, ਇਹ ਕਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਬੈਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਜੂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਉਂਤ ਕੇ ਕਰੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਆਲ ਓਵਰ ਸੂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ।